पहले तो मनोज जी आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। आपसे जानना चाहूंगी मैं, बागी 3 रिलीज हुई है, आपका क्या रिव्यू है बागी 3 को लेके, पहले ये जानना चाहूंगी। इट्स अ मोस्ट अवेटेड फिल्म और काफी एक्शन मूवी है, और एक्शन इतनी हुई है कि इमोशंस थोड़ा साइड पे हो गया है, और वही वजह है कि पिक्चर फ्राइडे सैटरडे कुडंट डू दैट मच वेल, जो कल सभी शो फुल थे दोनों में, मैंने दोनों हजार सीट के थिएटर में लगाई है गेटी गैलेक्सी में, एंड टाइगर इज एक्टेड वेरी वेल एज वेल एज द एक्शन इज कंसर्न, लेकिन कहीं कुछ स्टोरी वाइज गड़बड़ रह गई है, तो बाकी सब जगह पे जो फुल, यानी बाकी शो जो फुल होने चाहिए थे फुल हुए नहीं है। अब आज वापस थोड़ा ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक आया हुआ है ऑलरेडी, अब कल वापस होली है, हो सकता है कल वापस फुल जाए, तो ओवरऑल मिक्स रिपोर्ट है। बात घूम फिर के वही आती है कि अगर एक्शन के साथ इमोशन स्टोरी बिल्ड कर ली होती तो ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होती थी। देखो आगे चल के सब ठीक हो जाए। क्या लगता है आपको कहाँ तक पहुँच पाएगी ये? नहीं, दिस इज कमीशन अर्नर, वन थिंग इज सर्टन, नुकसान नहीं होगा, प्लस में जाएगी, लेकिन सुपर हिट नहीं जा रही है, वो बात का अफसोस है। लड़के ने बहुत मेहनत की है, टाइगर मेरे लिए बहुत माने रखता है, दो वजह से, एक तो बरसों से जीके जी को जानता हूँ, मैडम को जानता हूँ, क्योंकि उनके साथ आना जाना रहता है, तो बेटा तो 100% होनवार मनवान के होते चिकने पात, ये कबीर का दुआ है, वो इनको लागू पड़ता है, और लड़का हकीकत में बहुत अच्छा है, और वॉर में तो उसने कमाल कर दिया था, कमाल किया था ऋतिक के साथ, तो बस भगवान से ये विनती है कि कोई एक अच्छी स्टोरी मिल जाए एक्शन के साथ, स्टोरी लाइन, तो ये लड़का कमाल कर देगा, और आई एम श्योर ही विल बी डूइंग इट। कहीं ना कहीं बागी 1 जो थी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट थी, लोगों को हर पहलू में पसंद आई थी फिल्म, लेकिन अगर 2 और 3 की बात करो तो लोगों को इतना पसंद नहीं आ पा रही है, सीरीज आगे बढ़ नहीं पा रही उस तरीके से जितनी उम्मीद की जा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया कि बिगनिंग में एक न्यू फेस के साथ जिस तरह उनका एंटर हुआ था, बागी 2 बागी 3 के अंदर वो थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन मेरी वही सलाह है टाइगर से, मेरा खुद का बच्चा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, हम लोग के बीच में बात भी होती रहती है, तो मेरी एक ही सलाह, अगर आपका ये देखे तो यही सलाह है कि बेटा आप बहुत ही काबिल एक्टर है, दूधो नाओ फूतो फलो, आप बहुत अच्छा करेंगे, और आगे चल के भी पिक्चर के अंदर आप बहुत मैच्योर एक्टर बन सकते हैं, इमोशनली बोलते हैं ना, रोमांटिक इमोशनल एक्शन एक्टर बने, वो बनेंगे आप, जरूर बनेंगे।